Hey guys, welcome to D-Vlog. आज का व्लॉग मैं बहुत ही लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैंने लिख रखा था कि मुझे एक फैमिली व्लॉग शूट करना है, लेकिन कितना फैमिली व्लॉग कर लोगे तुम? मतलब सब कुछ तो कर लिया मैंने घर के अंदर, अब तो मैं इतना बोर हो गया हूँ ना घर में, अब बस मुझे बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, लेकिन नहीं हो सकता वो। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं व्लॉग कर लेता हूँ क्योंकि अभी माधवी जी का बर्थडे आ रहा है 25 को। इस बार मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस बार गिफ्ट बनाऊँ। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ पेंटिंग। सो द आइडिया इज टू स्पेंड लेस और नो मनी ऑन अ गिफ्ट, एंड आई वांट टू सी इफ द गिफ्ट्स दैट आई मेक आर अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द वंस अवेलेबल इन द मार्केट for a good amount. To be honest, last year I spent a good amount of money on the gift and I got a pretty good response. Now I want to see if I get the same response or not. For the gift, I didn't want to spend any money, so I thought why not to make a painting as I already have all the supplies. And to be honest, I can make a gift for no money. Painting banane ke liye sari supplies mere paas thi, bas ab mujhe idea sochna tha. I thought of it, I brainstormed, I searched for inspiration, but nothing came to my mind. And then So my sister is fond of beaches, oceans, pools, basically water bodies. So why not make a beach scene but in a modern way? I'm finna jump for this shit. Off top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the nightsticks? Maybe help me spark the ideas. We got nowhere else to go, it's only up from there. I've been on my own, just running through the fields. Say vivid for the ears, I know that's how they like. Yeah, I fantasize. Tell me that it's real when it's all said and done. So I'm done with the painting. I mean, painting complete नहीं हुई है, लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये पेंट सूख जाए और उसके बाद मुझे इस पे कुछ और करना है। Meanwhile, मैंने जीजू से बात करी और मैंने उनको बताया कि मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। एक्चुअली उनका कॉल आया था तो मैंने उनको बता दिया कि मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, लेकिन माधुरी दी के लिए बना रहा हूँ। वैसे तुमने देखा कि मैंने तुम्हें एक मिनट से कम में पूरी पेंटिंग का प्रोसेस दिखा दिया, लेकिन इसको बनाने में काफी घंटे लग गए मुझे। फिलहाल मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो आई थॉट कि थोड़ा सोशल मीडिया सर्व कर लेते हैं, इंटरनेट सर्व कर लेते हैं, थोड़े गाने गा लेते हैं एंड टाइम पास कर लेते हैं। सो द पेंटिंग इज ऑलमोस्ट डन, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि मुझे उसमें एक एलिमेंट और ऐड करना है। तो माधवी दी और जीजू का जो हैशटैग है वो है इकावी। आई एम थिंकिंग कि मैं उसमें इकावी पेंट करूँ। सो इट्स डे टू एंड आई स्टिल हैव टू कम्प्लीट द पेंटिंग। तो अभी 2 बज रहे हैं और आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव कोल्ड एंड कल मैं ऐसा लग रहा है मुझे फीवर है, बट नहीं है, बट मेरी बॉडी अभी भी गर्म है, सो आई डोंट नो। और अभी मैं अपनी पेंटिंग कम्प्लीट करता हूँ। Point I was doing so well, then I decided to outline the font with a black marker. Bad decision, I repeat, bad decision. After making that mess, I tried to hide it with white paint and that didn't work. Few moments later I had a mental breakdown and I did this. After getting into my senses, I tried to fix it, but that also didn't work. This is the third day and अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो मैंने जो पेंटिंग थी वो खराब कर दी, जो फॉन्ट्स थे ना वो बिल्कुल गलत लिख दिए। आई मीन लाइन्स मेरी मैच नहीं कर रही थी एंड बहुत ही आर्टिटरी लाइन्स आ रही थी। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसको पूरा जो फॉन्ट था पूरा ब्लैक पेंट कर दिया एंड आई एम थिंकिंग कि उसके ऊपर अब मैं व्हाइट से पेंट करूंगा, तो दैट वो ऐसा लगेगा कि जो ब्लैक है वो उसकी आउटलाइन है एंड जो व्हाइट है वो परफेक्ट टेक्स्ट है। डज इट मेक सेंस? आई डोंट नो। This is the best I could do. मैंने इसको fix तो कर दिया है, पूरी decent लग रही है, but I'm not happy with this one, so I'm going to make another one. Before making another painting, I have to tell you one thing. I was going through my Instagram and then I got a DM from one of my subscribers and she told me that her brother is a huge fan of the vlogs and asked me to send a voice note for her brother and I sent this. Hey Roshan, so your sister just told me that you are a huge fan of my content. You like the vlogs and you like the content. So thank you so much यार, I mean तुम लोगों की वजह से मैं हूँ and इतना प्यार देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। After few minutes, she shared a video with me, which was her brother's reaction video. कौन पहचानो, कौन? Who is he? Who is me? Dakshin. Yes. That vlog. Yes, yes. Oh yes, yes, yes. Dakshin, yeah. Dakshin, yeah. भैया ने मेरा नाम लिया. Yes. Yes, Roshan. Yes. Exactly. Oh my God, Dakshin, भैया. Yes, यार. I never thought small things like sending a voice note can make someone so happy. He was so happy that his reaction made me very happy. Now let's make the painting. Solo a esa mujer tan bobo me rompió el corazón y yo la dejé. Y
Yo me enamoré. Perdón por enamorarme. No lo quería hacer. Dios, esa mujer te rompió en partes. Perdón mi corazón, todo fue mi error. Perdón por enamorarme. No lo quería hacer. Dios, esa mujer te rompió en partes. Mentiras que te creí, como la que tú eras para mí. Muchas cosas raras que yo vi en ti, pero estaba ciego, así que seguí. Cuando me decías que yo era tu honey, se notaba que querías mi money. I really like this one because this is turning up very good and I just messed up a little bit because this is what I do. I always mess up. So मैंने जो trees बनाई थी वो blue shade में होनी थी और मैंने green shade में बना दी. Green shade बाद में डालेगा, पहले blue की coating आएगी. जब एक color सूख जाएगा इसके ऊपर मैं blue का coat करूंगा and then मैं अपनी trees complete करूंगा. I think it is looking very good. I am very excited for this one. This might be one of the best piece that I have made. Pero eso no era así. Pero eso no era así. Perdón por enamorarme. No lo quería hacer. Dios, esa mujer te rompió en partes. Perdón mi corazón, todo fue mi error. Perdón por enamorarme. No lo quería hacer. Dios, esa done with the painting. आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक. This represents the land. और मुझे इसको अभी ग्रीन थोड़ा शेड देना है. But I'm waiting कि ये सूख जाए. ऊपर से जो ट्रीज मैंने बनाई है ये वाली ऊपर और नीचे, इसके पीछे तो ग्रीन शेड आ गया लेकिन ऊपर भी थोड़ा सा ग्रीन शेड डालना है. Corazón no vuelve a suceder. Ya tendré mucho cuidado y más con esa mujer. Te rompieron y dañaron tu inocencia. Ahora ya no creo en nadie, solo creo en mi dependencia. Todo por tener solo a esa mujer tan boba. Me rompió el corazón y yo la dejé. Yo me enamoré. I can't believe it कि मेरे को 3 दिन लग गए पेंटिंग बनाने में. 2 दिन लगे एक पेंटिंग बनाने में और इस पेंटिंग को जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है उस वाली पेंटिंग से काफी डिफिकल्ट है, इसको बनाने में मुझे कुछ घंटे ही लगे. सो आई थिंक आई वेस्टेड माई 2 days बट स्टिल आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड आई विल गिफ्ट बोथ द पेंटिंग्स टू माई सिस्टर. आई वेंट टू माई सिस्टर्स प्लेस टू गिव हर द गिफ्ट्स and the reaction that I got is priceless. I mean, I was not expecting this reaction because last year I gave her AirPods, which cost me a lot of money. And this year, I made a gift which cost me nothing. So I don't have any words for the reaction. This experience was very overwhelming for me and I realized that it's not about the price tag or the money that we spend on gifts. It's all about the emotions and consideration that we put on it. This vlog proves you don't need to spend a lot of money to make people happy. I really enjoyed the process of this entire vlog. I hope you also enjoyed it. So if you do, then please share this video with your loved ones. Let's see if it makes them happy.